सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर के दया से आज तक हमें हमारे जीवन हमारे प्राणों को बचाए रखा परमेश्वर की महिमा प्रशंसा हम करते रहने के लिए बहुत आवश्यकता है। ये मार्च महीना से जब हम गिरजा कर रहे थे तब से इसी महामारी के वजह से फिर से लॉकडाउन होने की वजह से गिरजा नहीं कर सके हैं। इसी वजह से हमने सोचा कि हम ऐसे ही ऑनलाइन से परमेश्वर के वचन हम आदान प्रदान करें, एक दूसरे में बांटे तो सबों के लिए सहायक सहयोग योग्य हो सकते हैं। इसीलिए हमने ये वचन तैयार करते आते हैं करते आ रहे करते जाएंगे। घर में जितने सुन रहे बैठ रहे हैं इन सभी को हम अनुरोध करते हैं कि इस वचन को हम ध्यान से सुनिए, हमारे जीवन हमारे आत्मा के लिए बहुत आवश्यकता है। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ इसी मार्च महीना से आज हम जो 50वां दिन तक हम मना रहे हैं, ये लॉकडाउन के वजह से बाहर नहीं जा सकते, गिरजा नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी घर में बैठ के परमेश्वर के वचन हम सुन सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ सकते हैं। इसी कारण हमारे जितने सुनने वाले देखने वाले उन सबों से अनुरोध करता हूँ कि परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करें, उनके वचनों को हम पुकारें, उनके वचन को हम मन में लाए और हमारे जीवन में जितने भी परेशानी है उसी परेशानी को परमेश्वर के सम्मुख में हम पहुंचाने के लिए जोड़ देंगे। आज के मेरे विषय में लेके आया हूं, उस विषय में उठ अपने देवता की दुहाई दे, यानी उठ अपने परमेश्वर को पुकार के परमेश्वर के वचन लेके आए हैं। इसी लॉकडाउन के वजह से बहुत से परेशानी बहुत से पीड़ाएं हमारे जीवन में भी है और साथ में हमारे विश्वास में भी डगमगाने वाली चीज बहुत आ जाते हैं। सेवकाय सेवकर्मी भी बहुत से लोग हैं जो इसी महामारी की वजह से अभी हॉस्पिटल में है, कोई घर में है, कोई तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, तो उनके मन में उनके हृदय में यही सोच होते होंगे कि हम परमेश्वर के सेवा हम करते हैं, परमेश्वर की सेवा आज तक कर रहे, तो हमारे जीवन में ऐसे पीड़ा क्यों, ऐसा दुख क्यों, ऐसा कह के हमारे मन में भी हम सोचते होंगे विचार करते होंगे। तो इन सारे चीज में हम परमेश्वर की योजना तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हम सबको किसी ना किसी योजना से इसी पीड़ा में परेशानियों में उनसे दूर ना होने के लिए हमारे जीवन को हमेशा बांधे रखने के लिए योजना बनाते हैं। तो इसी योजना में गिरजा भी नहीं है तो हमारे विश्वासी भाई और जो मसीह संगति में हमारे जो नए विश्वासी आते हैं उन विश्वासी के विश्वास भी कमजोर, शायद गिरजा नहीं जाने की वजह से कमजोर हो सकते हैं। हमारे अपने जीवन में मेरे अपने जीवन में भी कमजोरी बहुत से हमारे जीवन में आत्मिक जीवन में कमजोरी बहुत है। इसी वजह से हम ये अनुरोध करता हूँ परमेश्वर के हम उसके संतान है तो हम उठे और परमेश्वर को हम पुकारने के लिए हम तैयार रहेंगे। इसी विषय को लेके आपके समूह में हम कुछ वचन ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ वचन आपके समूह में हम लेके आए हैं। योना नबी के पुस्तक में हम देखेंगे, योना नबी के पुस्तक एक अध्याय का 6 पद में ऐसा कहता है, तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता को
देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। कहते हैं, उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि हमारे विनाश होने से हमें बचा सके। एक एक चिंता करेगा कहके परमेश्वर के वचन में कहता है। परमेश्वर इस वचन में आशीष करें। आइए हम छोटे से मैं प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं हमें पूरे जीवन, हमारे पूरे हफ्ते आपने हमें अगुवाई किया, आपने हमें दौड़ाए ले चला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस इतवार के दिन में प्रभु, आपके पवित्र दिन में प्रभु, इसी वचन को उठ और अपने परमेश्वर को पुकार के इसी वचन को आपके सम्मुख में हम आदान प्रदान करने जा रहे हैं। इसी वचन को प्रभु मेरे ओर से नहीं बल्कि मेरे आवाज में आपकी ओर से हो सकने के प्रभु इसमें आशीष करें, और सुनने वाले जितने भी उनके जीवन में आशीष का मूल हो सकने के लिए अपनी सहायता करेगा, आशीष दीजिएगा। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। इसी वचन को योना के कहानी की ओर से हम आपको सुनाने चाहेंगे। योना कौन है कहने से, योना की जो पिता के नाम जो अमित ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, कहते हैं परमेश्वर के वचन उसके पास में पहुंचा, ये कहा कि तुम जाकर नीनवे शहर के लोगों को बता कि आज से 40 दिन बाद उस नीनवे शहर को मैं खत्म करूंगा यानी विनाश करूंगा, क्योंकि उनके पाप बहुत से बढ़ गए, उनकी गलतियां बहुत से हो गए। कहके योना को कहने के लिए कहा, जाके प्रचार करूंगा, पश्चाताप के वचन लेने के लिए कहा। लेकिन योना ने क्या चाहा, उन नीनवे के शहर में जाके वो वचन सुनाना नहीं चाहता था, बल्कि वो वहां से यहोवा परमेश्वर की नजर से भागना चाहता था। जब वो परमेश्वर की नजर से भागने के लिए तर्सिस के एक जहाज में चढ़ गया, जो तर्सिस जाने का एक जहाज था, वहां में चढ़ गया, और चढ़ के बाद वो तर्सिस के ओर जाने लगा, जहाज चल पड़ा। तब उसी समय जहाज में बहुत से आंधी तूफान आए, बहुत परेशानी आए, और जो जहाज चलाने वाले की बहुत से चिंता हो गए, अपने अपने देवता को पुकारने लग गए थे, अपने अपने देवता को पुकारने लग गए थे उनके प्राण को बचाने के लिए। लेकिन योना जो है एक जहाज के वो नीचे कोना में जाके वो मीठी नींद में, गहरे नींद में सोया हुआ था। तभी वो जहाज चलाने वाली जो माँ जी है, उसने कहा उसे कि तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे। और उसके बाद में उठ अपने देवता की दुहाई दे के उसे कहने लगा, और उसी दुहाई देने कहने के साथ साथ ही वो उठा और अलग अलग देवता को लोग ने अपने अपने देवता को लोग ने खुश करने लग गया, चिट्ठियां डालने लग गया, किसका गलती के वजह से ये जहाज इतने पलटने पर है, उनके सारे सामान भी फेंक दिए गए वो जहाज से, तो किसके वजह से है बोल के वो लोग ढूंढने लग गए। तब योना के नाम में वो चिट्ठियां आई और योना को कहा, तूने क्या किया, कि क्या गलती किया कि ये जहाज डूबने पर है। तब योना ने उनसे कहा कि मुझे इस नाव से निकाल के समुद्र में गिरा दो तो ये शांत हो जाएगा, कहा, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में मैं गया, परमेश्वर की बात मैंने नहीं माना कहके योना के हम वैसे देखते हैं। लेकिन उसके बाद फिर योना जो है नदी में उसे फेंक दिया गया, समुद्र में फेंकने के बाद एक बड़े मच्छी ने उसे खा गया था। उसके बाद में 3 रात और 3 दिन वो मच्छी के पेट में बैठने के साथ साथ उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और
वो मच्छी ने उसे किनारे पर लेके उसे उसके मुंह से फेंक दिया गया। उसके बाद जाके नीनवे शहर में योना ने परमेश्वर के वचन आज से तीन अध्याय का योना पुस्तक तीन अध्याय के चार में हम देखने से योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा बोला, यानी आज से 40 दिन बाद वह नीनवे शहर खत्म हो जाएगा कहा। लेकिन जब वहां नीनवे के शहर के लोग ने यह वचन सुनते ही क्या हुआ, उन्हें से सुनते ही पछताव करने लग गया, अपने आप को पूरे पछताव की राख में बैठ के पछताव करने लग गया, अपने उनके राजा भी पछताव करने लग गया। और वो लोग ने राजा ने एक आज्ञा दिया, जब तक ये संकट हमारे जीवन से हमारी शहर से इस नीनवे शहर से नहीं हटेगा तब तक ना पशु ना जानवर ना इंसान कोई भी खाना या पानी कोई भी नहीं पिएगा, यानी उपवास के साथ में पछताव के साथ में रहेगा। और ऐसे ही वो लोग ने पछताव किया, तब परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनी, परमेश्वर ने उनके पछताव की ओर देखा और वो नीनवे शहर उलटने से बच गया। वह नीनवे शहर परमेश्वर के प्रेम से फिर भर गया, उनके अपराध समा हुए के हम देखते हैं। तो आज हमारे जीवन में ये इसी वचन से हम सीखने को क्या मिलता है, प्रिय भाई और बहन जो सुनने वाले हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, आज इसी महामारी के वजह से हमारे दिल में डर है, हमारे दिल में हमारे मन में चिंता है, हमारे परिवार कहीं कभी संक्रमित में तो आ जाएगा या कोई हमारे परिवार खत्म हो जाएगा, ये कह के हम चिंता में बैठे हुए हमारे जीवन आज अभी चिंता में बैठे हुए सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, उठिए परमेश्वर को पुकारिए, जैसा कहा उठ और अपने परमेश्वर की दुहाई दे कहा, वैसे ही आज हम नींद में पड़े हुए हमारे जीवन बहुत से नींद में पड़ने वाले इंसान जो है जो देरी तक उठते हैं देरी तक सोते हैं उनके जीवन में कभी सफलता नहीं होता। हम देखते हैं ये नीति वचन में भी हम पढ़ने से वहां में नींद को प्रिय मत रख नहीं तो तू बेकार हो जाएगा कहता है। इसीलिए जो सही समय में उठने का समय नहीं समझता नहीं जानता है उनके जीवन में कभी वो सफलता नहीं होता। वैसे ही आज हम देखते हैं बाइबल में भी वैसे सफलता नहीं होने वाले इंसान कौन कौन है, होने से नींद से नहीं उठने वाले अपने आप को परमेश्वर को भूल जाने वाले जो विश्वास किया आज से 10 साल पहले विश्वास किया होगा 20 साल पहले विश्वास किया होगा या कुछ ही दिन कुछ ही साल पहले भी विश्वास किया होगा, उन लोगों ने परमेश्वर के जब विश्वास किया था उसी विश्वास को हम छोड़ के परमेश्वर को छोड़ के अपने जीवन बिताने वाले के जीवन में अभी समय है, उठिए अपने परमेश्वर को पुकारिए। जब दाऊद राजा इतना सर्व शक्तिमान था कि उसने एक गोली दिया फिलिस्तीन के जो सबसे बड़ा ताकतवर इंसान को उसने गोली था बल्कि नाम था गोलिया था बल्कि उसको उसने खत्म किया था। उसको खत्म करने के लिए उसने तलवार लेके नहीं गया, भाला लेके नहीं गया, तोप लेके नहीं गया, एक मामूली सा पत्थर और बुलेट ले जाके एक छोटा सा बच्चा ने उसे खत्म किया था। उस समय में क्या था, परमेश्वर उसके साथ में था, परमेश्वर को वो दुआई देता था, परमेश्वर के नाम से वो चलता था, तभी उनके जीवन में दाऊद राजा जो है परमेश्वर के उपासना में रहते थे, परमेश्वर को पुकारता था, तब वो बहुत ताकतवर था। और उसके बाद में उसी ताकत को उसने क्या परमेश्वर के उपासना में वो रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में वो चलता था। लेकिन दाऊद राजा जब परमेश्वर को भूल गया और परमेश्वर के उस आशीष को भूल गया, परमेश्वर के उस सामर्थ को भूल गया, वो नींद में पड़ गया, जब उसके आत्मिक आंख जो आत्मिक जीवन नींद में पड़ गया, वो सो गया,
तो उसने क्या किया, अपने ही सिपाही के बीवी को उसने अपनी सिपाही की बीवी को अपने बिस्तर में लेके सुलाया और उसके बाद उसके साथ शादी किया और उसके पति को उसने खत्म करके बेतशेबा को अपना पत्नी करके वहां में ले आया था। वहां वे विचार हम देखते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति जब उसके जीवन से चला गया तब उसने वो गलती किया। फिर हम बाइबल के सबसे ताकतवर इंसान कौन है बोलते समसोन को हम देखते हैं। बाइबल के सबसे ताकतवर इंसान समसोन जो है परमेश्वर ने बचपन से उसे आशीष दिया गया था, उसे बहुत से आशीष था और वो इज़राइल के जात में उसका जैसा ताकतवर इंसान कोई नहीं था। लेकिन जब उसने नींद में पड़ गया, जब वो जागना परमेश्वर को बुलाना भूल गया, एक दिलीली लड़की के गोद में जाके जब वो सो गया जो पहले फिलिस्ती के औरत थी उसके पास में, और फिलिस्ती जात के औरत के गोद में जब जाके वो सोआ और जब ही उसकी ताकत दिली उसके समसुन की ताकत के बारे में उस औरत ने बार बार पूछता गया तब उसने बताया तो उसकी ताकत जब उसके बाल में है बोल के जब मालूम हो गया तो उसके बाल को पूरा उड़ा दिया था, गंजा कर दिया था। उसके बाद में जब उसके ताकत चला गया तो वो कैसा करके बेइज्जत करके बहुत उसकी आंखें निकाला और फिलिस्ती लोग ने उसे बेइज्जत किया और बहुत से साल ऐसे बेइज्जत करके उनके जीवन को ठाटा में उड़ाया। हम देखते समसोन के जीवन को भी किस लिए, परमेश्वर को छोड़ देने की वजह से। लेकिन उसके साथ साथ ही फिर भी उन लोगों ने पश्चाताप किया, दाऊद राजा ने पश्चाताप किया, प्रभु मैंने जो गलती किया उसके लिए मुझे क्षमा कर, मेरे वंश को आपने आशीष दिया इसे आप पीछे मत रखिएगा कहके जब दाऊद राजा ने पश्चाताप किया तब फिर परमेश्वर ने उसे फिर आशीष दिया और उससे सामर्थ्य ज्यादा और सामर्थ्य राजा उसे बनाया। वैसे ही समसुन को भी, समसुन भी जब सारे इज़राइल सारे फिलिस्ती लोग एक जगह में इकट्ठित हुए थे, पार्टी मना रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे और उसे समसुन को जो उसी भवन के सबसे बीच वाले दीवार खंभा में उसे बांध के रखा था, उस समय में समसुन ने परमेश्वर से यह प्रार्थना की थी, प्रभु मैंने जो गलती किया उसके लिए मुझे क्षमा कर, लेकिन एक बार पहले जैसे ताकत मुझे दे ताकि मैं इन सारे को खत्म कर सकूंगा। और उसने पश्चाताप किया, उसी पश्चाताप की ताकत परमेश्वर ने फिर उसे दी और साथ ही साथ एक साथ ही फिलिस्ती को सारे फिलिस्तीन के सारे लोगों को वो लोग ने समसुन ने खत्म किया। हम देखते हैं इसीलिए और सुनने वाले हमारे सारे भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो है आपसे हमसे ये चाहता है कि उसकी पुकार में हम कभी भी पीछे ना हटे। जब हम उसकी पुकार में पीछे हटते हैं उसकी उसे हम पुकारने में पीछे हटते हैं तब हमारे जीवन में परीक्षाएं परेशानी हमारे जीवन में आते हैं। वो परीक्षाएं वो परेशानी जब हमारे जीवन में आते हैं तो शैतान हमें हमेशा गिराने की कोशिश करता है। इसी वजह से आज समय है, इसी समय में परमेश्वर के वचन कहता है उठ विश्वासी गिरे हुए उठ और उसे पुकार कहते हैं। यहां पर स्तुति गीत में हमारे मसीह संगत स्तुति गीत में एक गीत है जागो सोने वालों वक्त जाने लगा कहते हैं, जागो सोने वाले वक्त जाने लगा कहते हैं। तो आज प्रिय भाई और बहन ये समय जाने लगा है, परमेश्वर के राज्य निकट आने वाले हैं तो इसी में उठिए, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के निकट में आने के लिए हमारे सामर्थ हमारी शक्ति जितने भी है उसमें परमेश्वर को हम पुकारे कहके मैं कहना चाहूंगा। और जो हमेशा परमेश्वर को पुकारे रहता है उनके बाल भी बाका नहीं होता है, इसके
बारे में हम देखने से दानियल के पुस्तक में तीन अध्याय का हम 8 पद से हम पढ़ेंगे, तो वहां में दानियल के वो तीन दोस्त के बारे में हम सदक मेशक अबेदनगो के बारे में हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं। सदक मेशक अबेदनगो कौन था कहने से दानियल के उन दोस्त तीनों दोस्त ने क्या कहा, वहां के राजा ने नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की मूर्ति बनाया था, सोने की मूर्ति जो ने सारे राज्य लोग उस सोने की मूर्ति के आगे में जैसे ही वो बाजा बजाए या बिकुल बजाए तो सारे लोग उसको झुक के आराधना करने के लिए जय जयकार करने के लिए उस सोने की मूर्ति को बनाया था। लेकिन उनमें से ये सदक मेशक अबेदनगो ने उन राजा की आज्ञा को नहीं माना। उसने कहा था, ऐसा कहा, सदक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जाना पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, मुझे मालूम हो कि हम लोग तेरा देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को धन्यवाद करेंगे। यहां हम देखते क्या है, जीवित परमेश्वर को छोड़ के हम किसी को हम पूजा नहीं करेंगे का। नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कहा था, जो भी मेरे इस मूर्ति को इस सोने के देवता को तुम नहीं पूछोगे तो उसे धधकते हुए आग में फेंक दिया जाएगा, भट्टी में फेंक दिया जाएगा कहा था। तो ऐसे ही उन लोग ने बात नहीं मानने के कारण मेशक अबेदनगो ने बात नहीं मानने के कारण राजा ने उन पर क्रोध आया और सिपाहियों को कहा, इन तीनों को धधकते हुए आग में फेंक दो कहा। जब उसे फेंकने के लिए लेके जा रहा था, इतना आग तेज था, इतना ज्वाला था कि उस आग में फेंकने के लिए ले जाने वाला सिपाही भी उसमें जल के मर गया कहता है। लेकिन जब वो आग के बीच में पहुंचा, परमेश्वर के वो तीन जन जो परमेश्वर की नजर में हमेशा रहने वाले, जो आग के बीच में पहुंचा तो उनके बाल भी बाका नहीं हुआ, एक भी बाल जल के नहीं गिरा। तब उसे बाहर निकला तो परमेश्वर की महिमा करने लगे। ऐसे ही सदक मेशक अबेदनगो के जो विश्वास है, वैसे ही विश्वास हम जब हमारे जीवन में विश्वास ऐसे लेके आएंगे तब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, तब ये विश्वास ये ताकत जो हमारे जीवन को ये कोरोना की महामारी या मृत्यु की कोई भी जहर हमारे जीवन को छू नहीं सकते, हमारे जीवन को छू नहीं सकते, हमारे परिवार को छू नहीं सकते जो परमेश्वर के अधीन में रहते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में जो रहते हैं, परमेश्वर को जो पुकारते हैं उनके जीवन में वो कभी मृत्यु के उस महामारी में कभी फंस नहीं सकते। फंस भी जाए तो भी वो उठेगा कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है, मेरे वचन को विश्वास करने वाले, खुद ही प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे विश्वास करने वाले मेरे वचन को विश्वास करने वाले मेरे पिता की इच्छा अनुसार पे चलने वाले, चाहे वो हाथ में 20 सांप भी उठाए तभी उसे विष से हानि नहीं होगी, और 20 चीज कोई भी पी ले या खा ले तभी उनके प्राण को नाश होने का कोई चिंता नहीं होगा कहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन दिए, परमेश्वर के जो अधीन में उसके विश्वास में रहते हैं उनके जीवन में परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है उनके आवाज को सुनने के लिए। बस आपको क्या करना है, परमेश्वर को पुकारने के लिए कहता है। तो आइए आज मैं अंतिम में ये कहना चाहूंगा, होशे के पुस्तक में, होशे नबी के पुस्तक में कहते हैं,
छह अध्याय का एक से हम पढ़ने से ऐसा कहता है, चलो यहोवा की ओर फिरे क्योंकि उसी ने हारा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा, दो दिन के बाद वह हमको झिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। कहते हैं आओ हम मिलके, चलो हम मिलके परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि उसी ने हमें चोट दिया, उसी ने हमें दवा भी मलम भी लगाए। कहते हैं इसका कहने का अर्थ क्या है, आजकल के समय में हम देखते हैं महामारी के वजह से बहुत से परिवार खत्म हो चुके हैं, अपने परिवार को परिवार छूट चुके हैं, किसी ने बेटा बेटा ने छोड़ के चला गया, किसी ने माँ को छोड़ के चला गया, किसी ने पिता ने छोड़ के चला गया। इन सारे चीज में हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, क्यों हमारे परिवार को ऐसा किया, क्यों हमारे परिवार में इतना परेशानी दिया। लेकिन परमेश्वर के वचन में कहता है चलो हम मिलके परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की प्रशंसा करे, क्योंकि उसी ने हमें फाड़ा फिर उसी ने हमें चंगा करेगा, उसी ने हमें मारा है फिर भी हमारे घाव में वही मलम डालेगा। कहता है मलम लगाएगा कहता है, और दो दिन के बाद वो हमको झिलाएगा कहता है, हमारे जीवन को फिर नया हरियाली बनाएगा और उसके साथ हम रहेंगे, हम जीवित रहेंगे कहते हैं। तो परमेश्वर के साथ में जीवित रहने का ये सही समय है, इस समय में हम उठे अपने परमेश्वर को हम पुकारे। और ये कहते हैं कि हम तो घर में पड़े हुए हैं, हम ये है वैसे है, हमारे जीवन में परेशानी है पीड़ा है, कहने वाले मैं तो अपाहिज हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो नहीं कर सकता। कहने वाले के जीवन में भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके एक प्रार्थना के वजह से, आपके एक परमेश्वर को एक गुहाई के वजह से दूसरे के जीवन बच सकते हैं, दूसरे के प्राण को बच सकते हैं। राजा के पूरा हमारे राजा दूसरे राजा के पुस्तक में हम देखने से वहां में असुरिया लोग ने उस समारी के राज्य को पूरा बंद करके रखा था बाहर से, और पूरा घेराबंदी करके रखा था। जैसे ही वो सिपाही लोग हजारों सिपाही लोग उस घेराबंदी को उस राज्य को घेराबंदी करके रखा था समारी के राज्य को, यानी बोलेंगे चलमुन, ये जो हमारे रहने का जगह चलमुन है, इसी चलमुन के पूरे एरिया को उन लोग ने सील करके रखा, जैसा सील करके रखा हुआ था, जो भी उनके खाना पीना खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो भी बाहर आदमी आएगा उसे खत्म करेगा, कहेंगे असुरिया लोग ने तैयार करके रखा हुआ था। लेकिन उनमें से चार कोरी लोग जो था, वो कोरी लोग जो है शहर के अंदर घर के अंदर नहीं रख सकता था, शहर के बाहर उसे रखा जाता था, और वो चार कोरी लोग जो है उनके परिवार लोग शहर के बाहर जाके खाना उन्हें देते थे और वो लोग खाते थे। लेकिन वो घेराबंदी की वजह से खाना भी उसे मिलना मुश्किल हो गया, उन चार कोरियों को परेशानी हो गया, भूख से पड़ा हुआ परेशानी में पड़ा हुआ था। तो उस समारी के हालत ऐसा हो गया था कि गधे की सीर को, है ना, कबूतर के टुकड़े को भी बहुत से दाम में लोग खरीदते थे, और उनके गधे की सीर को भी वो लोग खाते थे। उसके बाद में इतना तो काफी, उसके बाद क्या हुआ, अपने बच्चों को भी काट के खाना शुरू कर दिया क्योंकि भूख की वजह से। इसी बीच में वो कोरी लोग ने ये कहा, हम यहां पड़े रहे तो हम मर जाएंगे, चाहे बाहर में भी जाए तो भी मर जाएंगे, चलो हम हिम्मत करके चलो समारी के उस असुरिया के सिपाही के आगे में जाते, अगर वो लोग हमें मार देगा तो कोई बात नहीं मर जाएंगे, लेकिन अगर वो उनकी दया है उन्हें जीवित रखेगा तो ठीक है हम जी लेंगे। कहा बाहर निकल के देखता है तो वो सारे समारी के जो
उनने उन लोगों ने परमेश्वर से जो प्रार्थना की थी वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और वो समारी और असुरी के जितने सिपाही थे वो सारे चीज को छोड़ के चले गए थे। तब वो चार कोरियो लोग ने जाके देखा, ये बहुत खुशी की सुसमाचार है बोल के देखा और जाके राजा को बताया कोई भी सिपाही नहीं है, बाहर आओ कह के बताया और वो बाहर निकल। ये कहने का मतलब यहां में इन चार कोरियों के वजह से वो समारी राज्य फिर जीवित रहा, वो समारी राज्य फिर से सामर्थ्य पाया, खुशी और खुशहाली और आनंद पाया। वैसे ही आज हम ये कहते हैं कि मैं तो प्रचार नहीं कर सकता, मैं तो वचन नहीं सुना सकता, ये कहने वाले भी घर में बैठ के परमेश्वर को बुलाने से, परमेश्वर को पुकारने से, यहाँ जो चार कोरियों ने कहा चाहे मैं मर यहाँ परे परे मरने से तो अच्छा बाहर निकल के हम खाने को कुछ खाने के लिए ढूंढे कहा, वैसे ही आज हमारे आगे बगल अगल बगल में हमारे पीड़ाओं में फंसे हुए उन सबों के लिए आप के एक आवाज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के समूह में उनके लिए एक आवाज जो है परमेश्वर सुन के उनमें आशीष करता है। इसलिए हमारे विश्वास में जितने कमजोर हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ बड़े, उसकी ही उनकी सामर्थ्य उनके शक्ति में हम बड़े, प्रभु यीशु के समूह में हम आए और प्रभु यीशु जब भी कोई उसके समूह में आता है तो उसे कभी वो निकालता नहीं, उसे कभी वो उनके विरोध उसे छोड़ता नहीं बल्कि उसे हमेशा हाथ पकड़ के ले चलता है। ऐसे परमेश्वर के समूह में जो आपके पीड़ा जो आपके परेशानी में परमेश्वर साथ देता है, बस आपको पुकारना है। मेरे जीवन में अंत में मेरे जीवन में भी एक समय ऐसा था कि मैं बहुत से परेशानी में बहुत निराश में फंस गया था, तो प्रभु को ग्रहण करने की वजह से परिवार से दोस्तों से बहुत परेशानी आए थे, लेकिन उसी चीज में परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, परमेश्वर को मैंने पुकारना नहीं छोड़ा, उसी पुकार को नहीं छोड़ने की वजह से मुझे नया जिंदगी नया स्थान नया जगह मिजोरम में मुझे ले आया, मिजोरम के बीच में उनकी सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए मुझे चुना, मुझे तैयार किया। हम देखते हैं इसीलिए परमेश्वर को हम कभी पुकारना न छोड़े, परमेश्वर को हम जब पुकारने छोड़ देते हैं तब हमारे जीवन में परेशानी परीक्षाएं बहुत आते हैं। इसीलिए प्रिय भाई और बहन जितने सुनने वाले हैं इसी समय है परमेश्वर को हम पुकारे, जब सोने वालों वक्त जाने लगा है, सच में वक्त जाने लगा है, जब आपके हाथ से वक्त निकल जाएगा तब आप पछताव करेंगे, तब आप रोएंगे, तब आप दांत पीसेंगे, फिर भी आपके लिए समय नहीं खुलेगा। इसी समय है परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए, इसी समय है परमेश्वर के आशीष पाने के लिए। आइए हम सब मिलके परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की दुआएं हम दें, परमेश्वर इस वचन में आप सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, आज हम आपको दुहाई देते हैं, आज इसी समय हम आपको पुकारते हैं, आपके नाम आपके राज्य इस संसार में बढ़ते रहे होते रहे। पिता इस समय में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ये जो वचन सुन रहे हैं, बिस्तर में पड़े हुए कोई परेशानी कोई पीड़ा में पड़े होंगे, बीमार की वजह से पड़े हुए के लिए भी प्रभु ये वचन आशीष के मूल हो सके और अपने स्थान में आपको पुकारने का तैयारी हृदय बना सके कि हमें सहायता करें। प्रभु पीड़ाओं में फंसे के वजह से परेशानियों में पड़ने के वजह से प्रभु आपको पुकारना भूल गए होंगे, उन्हें भी पुकारने का सामर्थ्य शक्ति इसी समय आपने दीजिएगा प्रभु, और आपके सम्मुख में झुके और आपकी प्रेम को जान सके, आपकी दया को जान सके और आपकी सम्मुख में आके आपको पुकार के आनंद जीवन पा सकने के लिए सुनने वाले के जीवन में नए प्रकार से आपने आशीष करेगा। हमारे इस प्रार्थना को आपने सुनने पर धन्यवाद। बीमार में और घर में शोकित परिवार सबों में प्रभु आपकी संभावना अब
आपके साथ ही हमेशा उनके साथ में रहते रहे। प्रभु यीशु क्राइस्ट के नाम से मांगते हैं।